दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवेश। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूं, तब मैं घूम रहा होता हूं, और जब मैं कुछ कर रहा होता हूं, जब भी मैं घूम रहा होता हूं। यह एक एक्सप्लोरर का कोट है। रिमझिम एक एक्सप्लोरर है जो यहां से वहां नई नई जगह घूमती है और अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीती है। वह एक अनोखी और अद्भुत जगह पर आकर रुक जाती है जहां उसके साथ वह होता है, जो एक खूबसूरत कल्पना की तरह है। आइए चलते हैं रिमझिम के साथ इस सफर पर। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। जिस तरह से हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उलझन होती है, हर किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, प्रेम, आनंद, उन्नति, यह तो अपनी अपनी विचार धारणा पर
निर्भर करता है। उसी तरह रिमझिम की जिंदगी में वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। कभी उसके लक्ष्य बदल जाते हैं, कभी उसे लगता है जो वह पाना चाहती है वाकई में वह उचित है। रिमझिम जब किसी उलझन में होती, वह अपनी मां से बात करती और मां के करीब ना होने पर खुद से ही बतिया लेती। रिमझिम की मां ने उसे कई खूबसूरत और जरूरी बातें कही हैं जिंदगी के बारे में। एक बार मां ने कहा था, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना इससे ज्यादा गलत कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो एक बार दूसरों से झूठ बोल दीजिए, पर अपने आप से कभी झूठ मत कहिए, हमेशा सच कहिए। फिर वह किसी भी संबंध में क्यों ना हो। रिमझिम ने यह बात अपने जहन में इस तरह बसा ली जैसे यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो। रिमझिम चलते चलते फिलहाल एक पहाड़ के उस छोर पर पहुंच गई जहां से कभी झरना बहता था और अब वहां सूखा हुआ है। रिमझिम ने अपने कंधे पर एक बैग टांग रखा है और उसके हाथ में एक नक्शा है। नक्शे के अनुसार तो उसे इस झरने से उतरकर नीचे दिख रहे बड़े मैदान को पार कर आगे जंगल में जाना है, पर उसे सामने नीचे मैदान में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद उन्हें पानी की जरूरत है और यह झरना सूखा पड़ा हुआ है। रिमझिम ने अपना इरादा और रास्ता दोनों बदले। उसने अपने आप से कहा, किसी तरह मैं अगर इन जानवरों की मदद कर पाऊं तो यह अच्छा होगा। उसने मुड़कर पहाड़ की तरफ देखा और झरने के रास्ते में चलने लगी। वह देखना चाहती है झरने का पानी क्यों सूखा है, क्यों यह बहना बंद हो गया। वह सूखे पहाड़ पर चलती रही। आसपास अच्छी खासी हरियाली है, यह पानी होने का अच्छा संकेत है। थोड़ा आगे सूखी पथरीली जमीन गीली दिखाई देने लगी। वहां पानी तो नहीं बह रहा पर पत्थर गीले हैं। यह देख रिमझिम का उत्साह बढ़ गया। उसने अपनी गति बढ़ा ली। आगे जाकर उसने देखा एक चट्टान टूटी हुई रास्ते में पड़ी है। उस टूटी चट्टान के आसपास दोनों तरफ घुमावदार ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पत्थर हैं, जिससे
रास्ता बिल्कुल जाम हो गया है। चट्टान के नीचे पौधे दबे हुए हैं। चट्टान की एक बीच के जगह से हल्का हल्का पानी रीस रहा है। रिमझिम को समझ आ गया, हो ना हो इसी चट्टान की वजह से पानी रुका होगा। वह आगे कदम बढ़ाने ही वाली थी कि एक बंदर तपाक से आकर चट्टान के पास बैठ गया और चट्टान के निचले हिस्से को दूसरे नुकीले पत्थर से मारने लगा। यह देख रिमझिम हैरान रह गई। उसने कहा, यह तो चट्टान खोदकर पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। बंदर ने रिमझिम की आवाज सुन ली और दांत दिखाते हुए दो तीन कदम एक तरफ हट गया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। रिमझिम ने कहा, ओ मुझे लगा मैंने अपने मन में कहा। रिमझिम समझ गई यह दूर रहने की चेतावनी है। वह धीरे से नीचे बैठ गई और अपने दोनों खाली हाथ बंदर को दिखाते हुए कहने लगी, सब ठीक है, सब ठीक है। बंदर यह देख शांत हो गया। रिमझिम चट्टान की तरफ जाने लगी। यह देख बंदर और पीछे हट गया और आवाज करने लगा। रिमझिम ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और जहां बंदर मार रहा था वहां मारने लगी। यह देख बंदर शांत हो गया। वह समझ गया ये तो बस मदद कर रही है। जहां रिमझिम मार रही थी वहीं से पानी रीस रहा है। कुछ देर रुककर बंदर सामान्य स्थिति में आ गया और अपने काम में लग गया। वह फिर से चट्टान के निचले हिस्से में वार करने लगा। रिमझिम को पानी बहने की आवाज भी आ रही थी। उसे विश्वास हो गया इस चट्टान के पीछे जरूर पानी होगा। रिमझिम चट्टान पर चोट करती रही पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह थक कर बैठ गई। उसने देखा बंदर अब भी पूरे जोश के साथ लगा हुआ है। रिमझिम ने मन में कहा, इसकी लगन की दाद देनी होगी। रिमझिम एक तरफ के रास्ते से चट्टान के ऊपरी हिस्से पर पहुंची। जो उसने देखा वह आश्चर्य में डाल देने वाला है। सामने पानी ही पानी है और इस चट्टान की वजह से पानी पहाड़ में रिसता हुआ कहीं और जा रहा है। रिमझिम ने कुछ सोचा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह चट्टान आसानी से हट जाए। वह चट्टान के ऊपर ही बैठ गई और सोचने लगी।
पर उसे कुछ सूझ नहीं रहा। कुछ देर में बंदर भी उसके पास आकर बैठ गया और रिमझिम की नकल उतारते हुए सोचने लगा। यह देखकर रिमझिम ने हंसते हुए कहा, मेरी नकल मत उतारो। बंदर ने फिर से नकल उतारी, अपने दोनों हाथ रिमझिम की तरह रख लिए। रिमझिम ने पैर मोड़े तो उसने भी ऐसा ही किया। रिमझिम ने खिलखिलाते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, यह सोच कि बंदर भी ऐसा ही करेगा। उसने हाथ हटाया तो बंदर दिखाई नहीं दिया। रिमझिम ने जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखा तो बंदर ने उसे हू कर चमका दिया। रिमझिम चमक गई। उसने हंसते हुए बंदर को पकड़ लिया। दोनों साथ में ऐसे खेलने लगे जैसे पुराने दोस्त हों। तभी उन्हें हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आई। दोनों ने दाईं ओर देखा, वह हक्के बक्के रह गए। हाथियों का बड़ा सा झुंड और बंदरों का झुंड एक साथ खड़े हैं। रिमझिम और बंदर दोनों चट्टान पर चुपचाप खड़े हो गए। झुंड में से एक बंदर ने दोनों को इशारा कर अपनी तरफ बुलाया। दोनों चुपचाप उनके पास जाकर खड़े हो गए। रिमझिम को उनके करीब जाने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। झुंड में से मुखिया हाथी चट्टान के पास जाकर उसका मुआयना करने लगा। उसने सभी से कुछ कहा जो सब तो समझ गए पर रिमझिम नहीं समझ सकी। कुछ हाथी घूमकर दूसरे रास्ते से चट्टान के दूसरी ओर बाईं तरफ चले गए। रिमझिम उन्हें ध्यान से देखने लगी, वह क्या करने जा रहे हैं। मुखिया हाथी चट्टान के इस तरफ से चट्टान को धकेलने लगा और उस तरफ से दूसरे हाथी उसे धकेलने लगे। रिमझिम ने आवाज देकर उन्हें रोका। सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे। बंदर ने भी उसे इशारे से चुप रहने को कहा। रिमझिम ने हाथियों को इशारे से समझाते हुए कहा, अगर आप सभी कोने पर से धक्का लगाएंगे तो यह और भी जाम हो जाएगी, क्योंकि यहां का भाग चौड़ा है। यह आगे धकेलने पर और तंग हो जाएगी। मुखिया हाथी ने आगे जाकर देखा तो पाया लड़की सही कह रही है। उसने उसे सूंड से स्पर्श कर शाबाशी दी। मुखिया हाथी ने सभी हाथियों को बुलाया और सूखे झरने के रास्ते की तरफ से चट्टान को धक्का देने लगे। देखते देखते चट्टान बीच में से तड़क गई। उसमें से पानी निकलने लगा। मुखिया हाथी ने आवाज कर
सभी को हटने को कहा। रिमझिम जो बंदर के साथ मिलकर धक्का लगा रही थी, जल्दी जल्दी में बंदर को लेकर मुखिया हाथी के ऊपर ही चढ़कर बैठ गई। सभी जल्दी से भागे भागे एक तरफ आकर खड़े हो गए। चट्टान में से पानी तेजी से रिसने लगा। सभी हाथियों ने मिलकर जोरों की आवाज की। चट्टान बीच में और तड़क गई। बंदर भी आवाज करने लगे। रिमझिम भी उनकी आवाज से आवाज मिलाने लगी। पानी और भी ज्यादा रिसने लगा। हाथी पर बैठे बैठे ही रिमझिम ने नीचे मैदान में देखा। सभी जानवर ऊपर की ओर देख रहे हैं। हजारों पंछी झरने के ऊपर जमा होने लगे और उनकी मधुर ध्वनि हवाओं में गूंजने लगी। नीचे खड़े सभी जानवर समझ गए क्या होने वाला है। वह सभी चमत्कार के इंतजार में आंखों में चमक लिए आवाज करने लगे। पूरा वातावरण तरह तरह की आवाज से गूंज उठा। हवाएं और ज्यादा तेज चलने लगी। चट्टान तड़क कर दो हिस्सों में बट गई। पानी की एक धार निकली, उसके पीछे कई लहरें एक दूसरे से गले मिलती हुई निकली। झरना बहने लगा, बहाव तेज हो गया। वह अपने साथ चट्टान के दोनों टुकड़ों को बहाकर आगे ले जाने लगा। सभी शांत हो गए इस अद्भुत नजारे को आंख भर कर देखने लगे। सभी के दिल में खुशियों की नदी सागर बहने लगे। पानी बहाव के साथ आगे बढ़ा और झरना चट्टान के टुकड़ों को लेकर नीचे गिरने लगा। नीचे झरना गिरने की जगह कोई नहीं है, बस एक शरारती हिरण है जो वहां से भाग रहा है। एक पंछी है जो वहां से उड़कर जा रहा है। झरना आखिरी छोर पर पहुंचा। सभी की धड़कने थम सी गई। आंखों में अनोखी चमक आ गई। चेहरे पर अद्वितीय मुस्कान लहराने लगी। पंछी धीरे धीरे उड़ने लगे। हवाएं भी धीरे हो गई और वह हुआ जिसका शायद पूरी सृष्टि को इंतजार था। झरना नीचे गिरा, पानी चट्टान को लेता हुआ नीचे की ओर गिर चला। हवाओं में बहता हुआ पानी पहाड़ों की दीवार से टकराता हुआ हवाओं में दूर दूर तक खुशबू भरता हुआ वह बह चला और धरती से मिल गया। जैसे कोई जुदा धड़कन दिल से मिलती है, जैसे कोई चांदनी चांद से मिल रही हो। वह ऐसे मिला जैसे
प्रेम जीवन से मिला हो। जमीन से टकराने से चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, झरना जमीन से मिलकर आगे की ओर बहने लगा, एक दरिया की तरह सभी एक साथ खुशी से झूम उठे, सभी आवाज करने लगे, नाचने लगे, खुशियां बांटने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे। दरिया तेजी से बहता हुआ आगे बढ़ता रहा और जंगल के अंदर प्रवेश कर बढ़ता चला गया, जैसे उसके अंत की अब कोई सीमा नहीं है। जहां तक धरती है वहां तक वह जाएगा। रिमझिम हाथियों के झुंड और बंदरों के साथ नीचे मैदान में आ गई। वह और बंदर अभी भी मुखिया हाथी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। सभी दरिया के करीब गए और पानी पीने लगे। मुखिया हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और रिमझिम और बंदर के ऊपर डाल दिया। सभी पानी से खेलने लगे, पीने लगे, उसका आभार व्यक्त करने लगे। कुछ देर बाद बंदरों का झुंड जाने लगा। उन्होंने आवाज कर रिमझिम के नए दोस्त बंदर को भी बुलाया। बंदर ने रिमझिम की आंखों में देखा और गले मिलकर उसे अपने अंदाज में अलविदा कहने लगा और जाने लगा। रिमझिम ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया। हाथियों का झुंड भी जाने लगा। रिमझिम नीचे उतरी और मुखिया हाथी के गले लगकर उसे भी अलविदा कहा। वह भी आवाज करते हुए वहां से चले गए। रिमझिम ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसमें पानी भरने लगी और दरिया को प्रणाम कर जंगल की तरफ चली गई। उसने एक पेड़ ढूंढना शुरू किया, कोई ऐसा पेड़ जिससे वह फल ले सके, पर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। हर तरफ पेड़ दिखाई दिए पर फल वाले नहीं। रिमझिम को एक मैना दिखाई दी जिसने अपनी चोंच में जामफल पकड़ रखा है। उसने ध्यान से मैना को देखा। मैना एक पेड़ की डाल पर बैठी और घोंसले में बैठे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जामफल खिलाने लगी। कुछ देर बाद वह फिर से उड़ गई। रिमझिम उसका पीछा करने लगी। वह मैना एक फूल के पेड़ पर जा बैठी। रिमझिम ने रुकते हुए कहा, ओहो जाम के पेड़ पर जाओ ना, मुझे भूख लगी है।
मैं ना उसके पास आई और उसके चेहरे के सामने आकर खूंखने लगी। रिमझिम ने मासूमियत से बिगड़ते हुए कहा, क्या कूक रही? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाम के पेड़ पर ले जाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यह कहकर रिमझिम जमीन पर बैठ गई जैसे कोई बच्चा मुंह फुलाकर बैठ जाता है। मैना उसके सामने आई और फिर से कूकने लगी, अरे परी सी लड़की, तुम कौन हो और यह जाम भला क्या चीज है? आप कहें तो हम सेब फल, अनार, केले, अखरोट के पेड़ भी दिखा दे। हम क्यों भला ऐसी चांदनी सी लड़की को मना करें? हमारी क्या मजाल? रिमझिम के कुछ समझ नहीं आया, पर उसे लगा जरूर मैना ने कुछ काम की बात कही है। मैना ने उसकी हाथ के एक उंगली अपनी चोंच से पकड़ी और उसे उठाने लगी। रिमझिम विस्मित होकर खड़ी हो गई। मैना उड़कर कहीं जाने लगी, रिमझिम वहीं खड़ी रही। मैना उड़ते उड़ते रुकी और पलटकर फिर से आवाज की। रिमझिम को समझने में देर ना लगी, वह खिलखिलाती हुई उसके पीछे पीछे बहने लगी, झूमती हुई, इठलाती हुई, कोई गीत गाती हुई। रास्ते में आने वाला हर जीव जंतु, पशु पंक्षी रिमझिम के उत्साह को देखने लगे। आखिरकार वह जामफल के पेड़ के पास पहुंच गए। रिमझिम चहक कर मैना के पास गई, मुस्कुराते हुए अपने सर से उसके सर को स्पर्श किया और धन्यवाद कहा। मैना आवाज करती हुई अलविदा कहती हुई वहां से उड़ गई। मैं फिर जल्दी आती हूं। रिमझिम ने कुछ जाम फल लिए और पेड़ के नीचे आराम से बैठ गई और जाम खाने लगी। इतना लजीज जाम उसने आज तक नहीं खाया था। शाम ढली, सावली रहना का दिया जगमग हुआ, चांद की चांदनी झरने की तरह बरसने लगी। रिमझिम पेड़ के नीचे लेट गई, उसकी पलकें नींद का झूला झूलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इस अद्वितीय प्रकृति के बीच उसकी आंख लग गई नींद के संग। वह नींद के आगोश में खोने लगी, जैसे शाम खो जाती है रात के आगोश में। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिराने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होते जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है।
धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाते जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।